दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके पास एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अंतरिक्ष हैरान कर देने वाली चीजों से भरा हुआ है। जिन चीजों की पृथ्वी पर बहुत कीमत है, वह अंतरिक्ष में यूं ही पत्थर की तरह तैर रहे हैं। ऐसा ही 16 साइकी एस्टेरॉयड है, जो कीमती खनिजों से भरा हुआ है। इस एस्टेरॉयड पर इतना कीमती खनिज है जो पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि गरीब से गरीब देश अगर इसे सबसे पहले पाले तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इस एस्टेरॉयड पर 10,000 क्वाड्रियन डॉलर का खजाना है, लेकिन इसकी कीमत जितनी होश उड़ाने वाली है उतना ही मुश्किल यहाँ पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर खनन करना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा महंगा है। यानी अगर हमने इस पर खनन करना चाहा तो पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगी। आइए समझते हैं कि आखिर इस एस्टेरॉयड का खजाना पाना इतना मुश्किल क्यों है। 16 साइकी एस्टेरॉयड धातु से बना है। इस पर लोहा, निकल और सोना प्रचुर मात्रा में है। ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड में से एक है। इसका वृत्त 140 किमी के लगभग है। ये आलू की तरह दिखता है। 16 साइकी एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। ये हर 5 साल में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। जितनी दूर पृथ्वी से सूर्य है, ये एस्टेरॉयड उससे 3 गुना ज्यादा है। क्या 16 साइकी एस्टेरॉयड को लेकर और खोज करने का प्लान है? इसका जवाब हाँ है। अगस्त 2022 में नासा इस एस्टेरॉयड को लेकर एक मिशन लॉन्च करेगा। 2026 ये एयरक्राफ्ट वहाँ पहुँचेगा। नासा का लक्ष्य होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट 21 महीनों तक इस एस्टेरॉयड का चक्कर लगाए और इसकी सतह और वहाँ मौजूद धातु को लेकर डेटा इकट्ठा करे। हालांकि ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि नासा इस पर खनन का प्लान नहीं बना रहा है। हालांकि कई कंपनियां इसकी माइनिंग में दिलचस्पी रखती हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अंतरिक्ष से फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।